और ये एक जम्मू से भाई हमारे पास आए हैं, आप क्या क्या टेस्टिमनी, आप क्या कहना चाहते हैं बताएं। मैं जम्मू से आया हूँ, मेरे ऊपर डिप्रेशन के अटैक होते थे बार बार, और पहले 3 महीने रहा, उसके बाद फिर 4 महीने। मेन क्या प्रॉब्लम थी, क्यों अटैक हुए, क्या था, आपकी लाइफ कैसी थी, क्या करते थे आप, क्या सोचते थे, क्या बोलते थे? मैं एक प्रोफेटिक सेविका कर रहा हूँ, तो मैं अपोस्टल जी के भी काफ़ी बार इनके खिलाफ बोला और स्पिरिचुअल फादर के खिलाफ बोलता, स्पिरिचुअल मैंने वो ये पखंड करते स्पिरिचुअल फादर फूदर कुछ नहीं होता, जब तक खुदा है तो हमें क्या जरूरत है स्पिरिचुअल फादर की। आप अपोस्टल जी के खिलाफ बोलते थे, पूरी तरह से खिलाफ थे आप, उन्हें आपको खिंच चढ़ती थी आप बोलते हैं जी। जब इनको मैं देखता भी था, मेरे कुछ टीम मेंबर भी आए हैं तो मैं उनको भी पता, जब मैं इनकी फोटो भी सामने आती थी मैं बड़ा गुस्सा आता था, मैं निकाल देता था इनको। अभी जब 21 डे नाइट फास्टिंग में हो तो ये मुझे अपोस्टल जी मुझे स्वप्न में दिखाई दिए, तो उन्होंने मुझे पूछा अपोस्टल सॉरी पापा स्पिरिचुअल फादर क्यों जरूरी है। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्यों, बोलते हैं अगर तुझे कब्री चाहिए तो तुझे स्पिरिचुअल फादर बना, तो मैंने कहा मैं आज आपको स्पिरिचुअल फादर बनाना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और आप पूरी तरह से खिलाफत करते थे, आपको अच्छे नहीं लगते थे, आपको खिंच चढ़ती थी। मैं कई बार अपने जब चर्च में प्रेज करता था, इनके प्रेज कई बार चेक करता हूँ, उनमें से कमियां निकाल निकाल के मैं चर्च में कई बार मैंने प्रेज की है। और आज क्या हुआ जब आज आप आए हैं? और जब आज मैं जहाँ पे उधर पीछे बैठा हुआ था तो मैंने देखा एक ऐसे खोले, मैं मेरा ध्यान नहीं लग रहा था, मैं ऐसे बस ऐसे देख रहा था इधर इधर चीजों को, और मैंने एकदम से खुली आंखों से एक स्वर्गदूत को 3 बार मैंने उतरते जहां पे देखा मैंने। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। इसी रीति से प्रभु जो है दिलों को, हार्ट्स को, जीवनों को चेंज करता, परिवर्तित करता है। धन्यवाद करें इस सोल सेविंग के लिए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और लगातार आप जो है लेहन करते रहेंगे सभी लोगों